हाय हाय भाई। गागन पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम मैं बचावत नाना है। जी तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने वंदे भारत में की है स्टूडेंट से मुलाकात, और वो चीजें देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। अच्छा हाँ मुलाकात की है, हाँ देखते हैं वीडियो बात करते हैं वजह। भाई, अभी आखिर देखते हैं कि हाँ भाई मोदी बच्चों जी से क्या ने बात की है। भाई ट्रेन के अंदर कैसे मुलाकात की है, वो भी स्कूल के स्टूडेंट से। ये तो हम लोग वॉच करेंगे, तभी इसके बारे में हम लोग आगे कह बिल्कुल पाएंगे। तो यार आई थिंक इन्होंने कल वंदे भारत भी लॉन्च किया है। हाँ अमेरिका से फौरन आने के बाद इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया। इनॉग्रेशन इन्होंने किया है वंदे भारत का। और ये कहाँ से चली प्लीज कॉमेंट में बताइएगा, और देखते हैं बच्चों से मुलाकात क्या हुई है। तो कौन ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वंदे भारत ट्रेन कैसी लगी? क्या अच्छा लगा? बिल्कुल वैसा फील होता है यहाँ पे। आपको क्या लगा? मुझे इसके इंटीरियर जो डिजाइन है और जिसकी सीट है और जो इसकी फैसिलिटी से पूछ रहे हो, सबसे बड़ी चीज कौन सी? स्टूडेंट है सर, मुझे इसके जो ऑटोमेटिक डोर्स है वो सब अच्छा लगा। अच्छा आपका इस बात पर ध्यान गया कि मेड इन इंडिया है, इसका गर्व हो रहा है। पर्यावरण स्वच्छता पर एक श्लोक सुनाना चाहता। अच्छा, दुर्वह मैत्री जीवितम जातम प्रकृति विसरेणम। बहुत बहुत प्यारी सुचि पर्यावरणम, सुचि पर्यावरणम, बच्चों से मुलाकात करता हूँ। वायुमंडल में विषम दूषितम नहीं निर्मल में जलम, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे जनरल सुची पर्यावरणम। मैं आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता जो कि वंदे भारत ट्रेन पर है उसको अच्छा, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वच्छ साफ सुथरी सुविधा जैसे प्लेन, भारत की आधुनिक यह वंदे भारत ट्रेन गौरवशाली सुख रंजन है ये हमारी ट्रेन, भारत सरकार की देन हमारी वंदे भारत ट्रेन। अभी योगा दिवस आया सरकार की तो आप लोगों ने योगा किया थे? यस सर। जो भी कभी पूछ रहे हैं, यस सर। टीचर ने बोला इसलिए किया कि ऐसे नहीं सर, आप लोग घर में भी करते हैं? यस सर। तो योग करें, हम योग करें, रोग हमारे दूर करें, इलाज वरदान हमें उसका हम उपयोग करें। कहें संजीवनी बूटी जिसने दिए हमें ये प्राण, ये ऐसा योग है जिससे होगा जन का कल्याण। ये कौन सा वृक्षा सर, इससे क्या फायदा होगा सर? इससे सबसे पहले तो जो धरती की एनर्जी प्राप्त होती है, ये हमारे हाइट के लिए भी एडवांटेजेस है। के बाद ट्रेन के अंदर स्वाभाविक रूप से बैलेंस जितनी रेगुलर आसन करता है जीवन में ये समस्या। आप में से मिलेट्स खाने वाले कौन से? रेगुलर सर अंकुरित जो होते हैं, किस तरह यार आपने बनाया? कितना समय लगा इसमें? एक दिन। अच्छा आप लोगों ने कभी ये सोचा कि एक हफ्ते तक जेब में एक भी पैसा लिए बिना बिल्कुल खाली एक भी पैसा चिकन ले और यूपीआई से ट्रैवल करना और कहीं से भी पेमेंट देना तो यूपीआई से देना पाओगे? जो एक पूरा सप्ताह कुछ भी नहीं खरीदेगा कैश से और वो मुझे फिर बताएगा चिट्ठी लिख करके। कमाल है यार। अरे भाई साहब यार, ये है तुम्हारे देश का लीडर जिसने अपने बच्चों को वंदे भारत के अंदर बुलाया और वहाँ उनसे मुलाकात की, और मुलाकात भी ऐसी की कि जैसे वो नहीं गए हो, उनके साथ घुल मिल गए। इस तरह से उनसे सवाल कर रहे, कहते हैं कि भाई वंदे भारत में तुम बच्चों को क्या क्या अच्छा लगा? किसी ने बोला ऑटोमेटिक डोर्स, किसी ने बोला अंदर की फैसिलिटीज, किसी ने बोला अंदर की सीटें, किसी ने बोला अंदर की बाहर जो इंटीरियर है वो, लेकिन मोदी जी ने बोला सबसे मेन बात क्या लगी, जो उनका मकसद था कि वंदे
मेड इन इंडिया। फिर भाई मोदी जी ने सबको बताया कि सबसे बड़ी बात आपको ये नहीं लगी कि ये मेड इन इंडिया, सारे बच्चे उधर ही चिल्लाओट है, अरे वो तो सबसे पहले आना है यार। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर करता है यार, स्टूडेंट को बुला के हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है यार। हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम हो ना, बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि जिस तरह आज मोदी जी ने मोटिवेट किया है कि भाई पेमेंट करना, ऑनलाइन करना, यूपीआई के थ्रू करना, अपने पास एक रुपया ना रखना, और फिर मुझे अगर वो ऐसा वैसा तो मुझे चिट्ठी लेके भी बताना। ये देख, ये होता है एक देश का लीडर, अपने पास पैसे ना रखें और पेमेंट करें यूपीआई के जरिए, अपने बच्चों को किस तरह के मशवरे दे रहे हैं। ये देख, ये होता है एक लीडर। हमारे मशवरे देते हम तुम्हें मुर्गियां लेके देंगे, तुम अंडे वो देंगी, तुम उसको बेच के बकरी ले ले, गायें लो, हमारे यहाँ में बच्चों को ऐसे मोटिवेट करने का तरीका देखा वहाँ पर, लीडर का देख ना हमारे बच्चों के दरमियान में उनकी बातें भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो अलग ही मोटिवेशन होती है कि हिंदू हिंदू हमारा दुश्मन है भाई, उनको मारना है बस, ये हमारे यहाँ की मोटिवेशन, हमारे बच्चे यही पास अभी तो इंडिया का ना देखना यार। देखो हम गिरे पड़े और भारत देखो कहाँ निकल गया, वंदे भारत जैसी इतनी वीआईपी ट्रेन आते सारे अमेरिका से, यूएसए से पहला काम ये किया, इजिप्ट से आने के बाद और यूएसए से आने के बाद भारत में हमारा पहला ये काम। ये देखना कैसी इनकी भाई इनॉग्रेशन कर दिया, आगे देखो होता है क्या वजह। बच्चे जो एक एक सारे खड़े थे, उन्होंने तस्वीरें बनाई, उन्होंने मोदी जी को गिफ्ट की, और वो एक दिन, एक दिन बन लगा। देखो जो तस्वीर बच्ची ने बनाई है, एक दिन पूरा लगा उसमें, बहुत अच्छी बनी। और भाई देखो ना वंदे भारत पे जो एक और लड़की ने कविता लिखी थी भाई, ये स्वच्छता के मतलब बहुत, वो एक दो दफा सुननी पड़ेगी तभी याद होगी, लेकिन भाई भारत सरकार की है ये देन, वंदे भारत ट्रेन। अब इसमें तो सच्चाई है ना यार, मेड इन इंडिया दी तो है ना। देखो भाई दी है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने दी, और कोई नहीं दे सकता था। कोई माई का लाल भी आ जाता ना भारत में, मैं कहता हूँ कि कोई ये चीज नहीं दे सकता। हर शहर में प्रोवाइड कर रहा है, हर शहर छोड़ते कोई नहीं। उन्होंने 2024 के आधे तक सारे इंडिया में ये लॉन्च हो, बिल्कुल तकरीबन आई थिंक तकरीबन 20 सिटीज में लॉन्च, आई थिंक इतनी हो गई, कॉमेंट में बताइए कितनी तेजी से कर। यार बच्चों से जो मुलाकात की, देखो बच्चे क्या आज प्राउड फील करेंगे कि भाई हमसे इस देश का प्राइम मिनिस्टर, एक वर्ल्ड लीडर, एक दुनिया का आने वाला सुपर पावर, देश का लीडर भाई वो हमसे मिलने आया, वो भी गाड़ी में, वो भी गाड़ी में। देखो देखो ना ट्रेन के अंदर, देखो किस तरह उनसे बातें पूछ रहे थे, किस तरह से बच्चे उनके साथ उनको बातें बता रहे थे। यार यही तो होता है ना, बच्चे जैसे कम्फर्टेबल फील कर रहे थे, जैसे मोदी जी उनके अपने। बिल्कुल यही चीज है यार, हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना। हमारे लीडर्स को देखो, वो हमारा दुश्मन, तुम लोग दुश्मन 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 करते हो, मान लिया तुम लोगों का दुश्मन, हम लोगों का तो नहीं है। हम लोग तो भाई दिल से मोदी जी को अपना मोटिवेटर मानते हैं, वो मोटिवेट अगले को करते हैं तो हम भी उनकी बातें सुनते हैं। चलो ये लोग कहते हैं दुश्मन है, तो यार उस दुश्मन से सीख लो ना। लो जो दुश्मन होता है, दुश्मन से बंदा सीखता है कि वो क्या सही काम कर रहा है, हम भी वो करें, हम उसके पीछे जाएं। हम तो उनकी बातें सुनते हैं वजह, हमें तो गलत कोई नहीं लगती, हमें तो ए वन लगती है, हमें तो कोशिश करते हैं हम उनकी मोदी जी की बातें सीखे सीखे, क्योंकि सीखना भी चाहिए, वो अच्छी बातें देते हैं। देखो स्टूडेंट को कैसी नसीहत करते हैं, लीडर्स को भी सीखना चाहिए। वो दुश्मन दुश्मन करते हैं, लेकिन एक लड़ाई के अंदर दुश्मन की बात समझना और उससे सीखना एक बहुत बड़ी चीज है यार, वो भी नहीं सीखते ना, नहीं सीखते इन्होंने कसम उठाई। भाई हम पाकिस्तानी जो सीधी सीधी बात, हम तो मोदी जी से बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि उस बंदे ने भारत को जिस रफ्तार से आगे लेकर गया ना, आज भाई हम भी उनके फैन है, और आज देखो बच्चा बच्चा भारत को उनका फैन। चलो इंडिया तो तारीफ करता है, वर्ल्ड जो दुनिया के बेहतरीन मुल्क हैं, वर्ल्ड मुल्क वो तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तो हम किस बाकी मूल्य हैं। सही बोली आपने, तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, दिल बड़ा खत्म कर दो तो बाय।